कह रहे हैं जी, शोहर बीवी सफर से जब वापसी हो शोहर की, तो क्या मियां बीवी सबके सामने एक दूसरे से गले मिल सकते हैं? क्या शोहर और बीवी सबके सामने एक दूसरे से गले मिल सकते हैं, जब जैसे शोहर सफर से आया हो या सफर में जा रहा हो? लेकिन ये चीज़ हया के ख़िलाफ़ है। बीवी से गले मिलना सबके सामने, ये हया के बहरहाल ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये हमारे सोसाइटी में हया वैसे भी ख़त्म होती जा रही है, तो दो चार काम हया वाले रह गए हैं उनको सोसाइटी में रहने दें। तो सबके सामने मियाँ बीवी को इस तरह से बेतकल्लुफ़ी का इजहार नहीं करना चाहिए। आजकल तो कज़नों से लोग गले मिल रहे हैं, तो क्योंकि मैं जब ये मसला बता रहा हूँ तो हमारे लिबरल लोग फ़ौरन एतराज़ शुरू कर देंगे कि ये मौलवी लोग इतने बुनियाद परस्त हैं। तो लिबरल लोग तो कज़नों से मिल रहे हैं गले, वो आम नामहरम लड़कियों से मिल रहे हैं, उनको हया के मसाइल कहाँ समझ में आएंगे? हया के मसाइल उनकी समझ में आते हैं कि वो थोड़ी सी हया रखते हैं। हया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डिक्शनरी से निकाल के दिखा दें हम कि इसको हया कहते हैं। महसूस होने वाली चीज़ है। तो अगर आप में हया होगी तो आपको महसूस भी होगी, आपके अंदर हया नहीं है तो आपको महसूस ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के मज़ीद बेशुमार बयान सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इस तरह के अगले बयान में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।